हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मदर टीचर। मैं हूँ नेहा भटनागर और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 30 मैथ्स की वर्कशीट्स जो मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी। तो ये आप UKG में क्लास 1 और क्लास 2 तक अपने बच्चों को दे सकते हो। बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि जब आप UKG के लिए सिखाओगे तो थोड़े से नंबर्स आप छोटे कर दोगे। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो उसके लिए नंबर्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास मोर देन 30 वर्कशीट्स हैं जिसमें अलग अलग कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ एडिशन के लिए हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं, एबेकस पे नंबर्स हैं और कुछ डिकोडिंग की वर्कशीट्स हैं। तो वो सारी मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूँगी। तो मैं हर वर्कशीट का एक एक सम आपके साथ सॉल्व करूँगी। बाकी मैं इसकी PDF आपके साथ शेयर कर दूँगी, अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट जैसे मैंने दिया है ये किक स्टार्ट ताकि बच्चे को थोड़ा करने में इंटरेस्ट आए, और स्टार्टिंग में कुछ वर्कशीट्स हैं जो बहुत ईजी हैं, उसके बाद थोड़ी थोड़ी मैंने उनको अपग्रेड किया है। फर्स्ट है राइट द नंबर्स शोन ऑन द एबेकस। तो यहाँ पे क्योंकि वो अभी जस्ट उसने सेकंड क्लास में एंटर किया है तो उसके लिए 3 नंबर्स के लिए है। अगर आप UKG में करवा रहे हो तो आप 2 नंबर्स तक ही ले सकते हो। तो जैसे फर्स्ट है 1, 2, 3, तो यहाँ पे 1 स्पेस में नंबर 3 है, 1 डॉट यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कितने डॉट्स हैं, 2 डॉट्स हैं। तो ये कौन सा नंबर बन गया, 213। इस तरह बच्चे को सारे नंबर्स डॉट्स को काउंट करके या बीट्स को काउंट करके एबेकस पे शो करने हैं। सेकंड मैंने वर्कशीट बनाई है फाइंड आउट द प्लेस ऑफ दीज नंबर्स। ये हम प्लेस वैल्यू के लिए करते हैं। तो UKG में अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हो तो आप 2 डिजिट तक ही लें, 99 तक आप ले सकते हो, उसमें आप प्लेस वैल्यू बच्चों को दे सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है इन नंबर 325 में, तो हम नंबर 2 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। तो यहाँ पे 2 की क्या वैल्यू आएगी, 20। ओके, इस तरह हम बाकी के भी प्लेस वैल्यू बच्चों को इसमें से बताएंगे। नेक्स्ट है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्योंकि वो सेकंड क्लास में एंटर किए तो मैंने सारी थोड़े बड़े बड़े नंबर लिए हैं, आप छोटे नंबर लें। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे आएगी, ये नंबर है 336, तो हम कैसे लिखेंगे, 300 प्लस 30 प्लस 6। सो इस तरह हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं, तो ये आप बच्चों को दे सकते हैं। फोर्थ वर्कशीट मैंने दी है व्हाट कम्स आफ्टर, बड़े नंबर्स के लिए। छोटे नंबर के लिए 27, 28 इस तरह से 39 वो वाले नंबर आप ले, तो जैसे ये आएगा आफ्टर नेक्स्ट नंबर 368, तो इस तरह से मैंने डैश लगाए हैं, ये बच्चों के लिए इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिफोर, तो 367 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 366। तो कुछ ईजी वर्कशीट्स हैं स्टार्टिंग में, आगे मैंने अपग्रेड किया है। कंपेयर एंड राइट लाइक विच वन इज स्मॉलर ग्रेटर और इक्वल टू, ओके। तो इस तरह से हमें इस सर्कल में बच्चे को बनाना है। तो क्या 300 और 305, हमने बच्चों को जैसे पहले बताया था कि हम पहले 100 प्लेस चेक करेंगे वो सेम है, तो हम 10th प्लेस चेक करेंगे वो भी सेम है, तो उसके बाद हम 1 प्लेस चेक करेंगे तो उसमें जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 305। इस तरह से हम ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है राइट द न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। असेंडिंग ऑर्डर मींस सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो इस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे छोटा यहाँ पे पहले हम नंबर रीड करेंगे, सबसे छोटा है 285, उससे बड़ा है 367, उससे बड़ा है 465 और देन 794। तो इस तरह हम असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। सेम इसी तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स जिसमें सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। तो मैंने नंबर्स कुछ इस तरह से दिए कि बच्चे को थोड़ा सोचना पड़े। सेम नंबर 196, 169, 916, 609 ऑलमोस्ट नंबर सेम है, बट उनकी प्लेसेस चेंज किए हैं, तो थोड़ा सा बच्चे के लिए कंफ्यूजिंग भी होता है थोड़ा सा उनको, ताकि वो सोचे ना। इजी नंबर देंगे तो फटाफट लेके ख़त्म कर देंगे, तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल मैंने इसी तरह से धीरे धीरे करके बढ़ाया है, तो आप भी वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट मैंने बनाई है टिक द ऑड नंबर्स एंड सर्कल द इवन नंबर, ओके। तो इस तरह से आपको हर उसमें जो इवन नंबर है उसको सर्कल करना है, ऑड नंबर को आपने टिक करना है। तो जैसे ये ऑड नंबर है इसको हम टिक कर रहे हैं, ये इवन नंबर है इसको हम सर्कल करें, तो पूरी वर्कशीट में इसी तरह कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट मैंने बनाई है
राइट ट्रू और फॉल्स, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, बच्चे को वो रीड करनी है और ट्रू और फॉल्स उनके आगे लिखना है. और 20 इज एन इवन नंबर, सो इज इट अ ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू, सो हम यहाँ पे ट्रू लिख देंगे. तो ये ट्रू और फॉल्स की इसी तरह मैंने बनाई है. विच वन इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, सॉरी द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 11, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 110. तो ये चेक करके हमें फाइंड आउट करना है और उसमें से ट्रू और फॉल्स लिखना है. उसके बाद बनाया है एड द नंबर्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड. तो इनको हम फॉरवर्ड काउंटिंग के साथ सिखाएंगे कि 51 में 52 में हम क्या ऐड करेंगे, फॉरवर्ड 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 53. तो इसी तरह ये फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए मैंने सिंगल डिजिट लिए हैं ताकि थोड़ा अभी ईजी रहे. तो इस तरह से हम फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए करेंगे 44 + 2 = 45, 46. नेक्स्ट 11th वर्कशीट जो मैंने बनाई है दैट इज ऐड द नंबर्स. तो ये किस तरह से ऐड करने हैं, 5 + 2 क्या आएगा 7, फिर आगे क्या लिखा है 7, जो आंसर आएगा उसमें हम 3 प्लस करेंगे 7 + 3 = 10, और उस जो आंसर आया उसमें हम 2 प्लस करेंगे मीन्स 10 + 2 = 12. तो लास्ट हमारे पास क्या बनेगा टोटल 12. तो इसी तरह से हम सारी वर्कशीट्स ये ऐड करेंगे. नेक्स्ट है बैलेंस द इक्वेशन. अब बैलेंस में हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उनको इक्वल करना है. सो मैंने ये 3 नंबर्स के साथ दिए है, आप कोशिश करें या स्टार्ट करें 2 नंबर्स के साथ. तो जैसे फर्स्ट है 6 + 3 = 9 + 2 = 11, तो सेम आंसर इस तरफ भी आना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है 1 + 4 = 5, 5 में हम क्या ऐड करेंगे 11 आए. तो इस तरह से हम बच्चों को भी ये बच्चे ये वर्कशीट करेंगे. तो मैंने अपनी बेटी को ऑलरेडी ये चीज़ें सिखा रखी हैं तो वो कर लेगी कि उसमें से ऐड क्या करेंगे. हम फॉरवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं या हम यहाँ पे 11 आया 11 में से हम जितना यहाँ पे सम आ रहा है उसको माइनस करेंगे वो वाला नंबर आएगा. तो इस तरह से कर सकते हैं 1 + 4 = 5, 5 + 6 = 11. तो इस तरह से आंसर आएगा. तो आप इसके 2-3 वेज हैं कि हम कैसे बच्चों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखा रहे हैं. या तो आप फॉरवर्ड काउंट कर लो या आप जो इस तरफ सम आ रहा है उसमें से जो बाकी नेक्स्ट साइड राइट हैंड साइड है उसमें से उसको माइनस कर दो तो वो सेम आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने बनाई है एडिशन के लिए. सबसे पहले मैंने 2 डिजिट में बनाई है, उसके बाद मैंने 3 डिजिट में बनाई है. कुछ कैरी ओवर वाली बनाई है और कुछ सिंपल एडिशंस बनाई है विदाउट कैरी ओवर, लाइक 4 + 2 = 6, 5 + 4 = 9. तो ये विदाउट कैरी ओवर है. कुछ मैंने कैरी ओवर के साथ बनाई है विद कैरी ओवर, लाइक 8 + 7 = 15. सो 5 और 1s कहाँ, 1 कहाँ जाएगा 10s प्लेस पे. तो ये सारे हम ऐड करेंगे 4 + 2 = 6 और 1 = 7. ओके, नंबर 15 जो मैंने वर्कशीट बनाई है सॉल्व द सम. तो ये मैंने थोड़ा सा ट्रिकी दिया है कि 10 + - = 7. तो यहाँ पे बच्चे को नंबर फाइंड आउट करना है, या तो वो फॉरवर्ड काउंटिंग करे या फिर मैंने उसको दूसरा तरीका बताया कि आपके पास जो सम होता है उसमें से आप ये माइनस करोगे तो जो आपके पास बच जाएगा या जो आंसर आएगा वो आप सेकेंड नंबर यहाँ पे होगा. तो आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि या तो आप फॉरवर्ड काउंट कर लो 17 तक, 10 से आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कितने नंबर आ गए 7. या फिर आप 17 में से 10 माइनस कर दो तो नंबर सेम आएगा, आंसर होगा 7. इस तरह से हम करेंगे. ठीक है, तो सेम इसी तरह से सारी वर्कशीट्स हैं एडिशन के लिए. नेक्स्ट मैंने बनाई है स्टेटमेंट सम्स. तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं 2 डिजिट के लिए और 3 डिजिट्स के लिए. देयर आर 25 गर्ल्स एंड 32 बॉयज इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल. तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे 1s और 10s में लिखा है तो बच्चा लाइक यहाँ पे 25 गर्ल्स और 30 बॉयज, तो उनको प्लस करके यहाँ पे करेंगे. और ये 3 डिजिट्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे 1s, 10s और 100s के लिए बना दिया है तो वो इजीली कर पाएंगे. इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स सब मैंने दिए हैं. उसके बाद 3 नंबर्स एडिशन है, तो क्योंकि अभी सेकेंड क्लास में हैं तो अब उनको 3 नंबर्स के लिए भी करना है. तो कुछ कैरी ओवर वाली हैं, कुछ सिंपल एडिशन है. तो इस तरह से बच्चे करेंगे. यहाँ मैंने 2 ही नंबर्स लिए हैं लेकिन 3 डिजिट्स के साथ लिए हैं. यहाँ मैंने 3 अलग अलग नंबर्स ले लिए, 143, 140, 142. तो इस तरह से उनको ये वाला पहले ऐसे करवाएं फिर ये चीज़ करवाएं तो इजी हो जाएगा. उसके बाद मल्टीप्लाई एंड फाइंड द प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने अभी तक उसको 7 तक टेबल करवा दिए हैं तो उसके लिए मैंने 6 और 7 तक ही दिया है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए. अभी उसको मैंने डबल डिजिट का सिखाया है, लाइक 14 × 3, 52 × 3 और 6 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ.
तो अभी जहाँ तक आपने टेबल सिखाए आप वहाँ तक उनको मल्टीप्लिकेशन के सम दे सकते हैं। उसके बाद हैं मेक द कॉम्बिनेशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, मीन्स आपको ऐड कर ये इस नंबर को ब्रेक करना है, और जैसे 11 है तो आप इसके क्या कर सकते हो, कैसे हम इन नंबर को बनाएंगे, 11 कैसे बनेगा। सब आप कोई भी बच्चा नंबर पिक कर सकता है, सपोज़ यहाँ पे वो 2 लिख रहा है तो नेक्स्ट उसको काउंट करना है कि कितने नंबर और डालेंगे तो 11 बनेगा, तो 2 + 9 और यहाँ पे 6 + 5, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा नंबर ले रहा है, ठीक है। बट उसका सम ये आना चाहिए एंड प्रोडक्ट। उसके बाद नंबर 19 है डिकोडिंग वर्कशीट्स मैंने बनाई है कुछ, डिकोड द नंबर्स एंड ऐड देम। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे शेप्स बनाई हैं या पैटर्न्स कह सकते हैं, और उनके नीचे मैंने नंबर लिखे हैं। तो बच्चे को डिकोड करना है पहले तो कि ये कौन सा नंबर लिखा है, उसके बाद उसको ऐड करना है। तो थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, ये कौन सा नंबर है, ये 6 है। उसके बाद स्टार है, स्टार में नंबर 2 है। उसके बाद ये ट्राइंगल है, इसका नंबर 3 है। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। नेक्स्ट है 7, और उसके बाद है 5। तो ये सारी अब बच्चे को ऐड करनी है, 5 + 3, 7 + 2, 6 + 1। तो इस तरह बच्चा डिकोड करेगा पहले, और उसके बाद ये नंबर्स लिखेगा। तो आप हो सके तो थोड़ा सा और इसमें स्पेस दे दें ताकि वो और इजीली कर सके। नेक्स्ट जो वर्कशीट मैंने बनाई है नंबर 21, वो बनाई है, वो भी डिकोडिंग के लिए बनाई है। A to Z मैंने कोड्स लिख दिए हैं, 1, 2, 3, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, REST रेस्ट प्लस वेस्ट। तो आंसर क्या आएगा, वो पहले बच्चा क्या करेगा, जैसे R कहाँ पे है, नंबर 18 पे। ओके, तो आप बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कर रहा है, वो वंस में ले रहा है या टेंस में ले रहा है, इट डिपेंड्स कि आप टोटल नंबर क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। E पे कौन सा नंबर है 5, S पे कौन सा नंबर है 19, तो जैसे 18 है 19 है, इसका हम वंस प्लेस ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल तो अभी नहीं सिखाई होती है। तो आप, मैंने जैसे उसको बोला था कि आपको इनके जो ये नंबर हैं इनके आपको वंस प्लेस पिक करने हैं, जैसे E है तो यहाँ पे 5, S है, S पे नंबर 19 है तो इसके वंस प्लेस पे क्या है 9, और T है, T के वंस प्लेस पे क्या है 0। इसी तरह आपको सेम इसका भी नंबर पिक करना है और उसको प्लस करना है। तो इस तरह से डिकोडिंग वर्कशीट बच्चे को हेल्प करेगी। आप कोई भी वर्ड बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई भी यहाँ पे नंबर्स ऐड करवा सकते हो। मैंने वंस प्लेस बोला, आप टेंस प्लेस भी बोल सकते हो, बट क्योंकि टेंस प्लेस पे ऑलमोस्ट 1-1 ही है तो इसलिए मैंने उनको वंस प्लेस बोला। उसमें सारे नंबर्स थोड़े अलग भी हैं और बड़े बड़े भी हैं, इसीलिए मैंने टेंस प्लेस वंस प्लेस वाले नंबर पिक किए। नेक्स्ट जो मैंने वर्कशीट बनाई है, इस तरह से मैंने ये 2 पेजेस दे दिए। 30 डेज के हॉलीडेज हैं तो थोड़ा ज़्यादा वक्त होना चाहिए। तो उसके बाद फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो इस तरह से मैंने ये बना दिए हैं, आपको इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर पिक करना है। और नंबर मैंने ऑलमोस्ट सेम दिए हैं ताकि थोड़ा सा उनको टाइम लगे और वो अच्छे से सोच समझ के आंसर दें। तो 21, 17, 71, 12, 22 कौन सा नंबर, बच्चा रीड करेगा देखेगा, अदरवाइज तो फटाफट कर लेते हैं। तो ये इसी तरह मैंने ज़्यादा नंबर दिए हैं और ये मिक्स किया ताकि वो थोड़ा सा टाइम लगाएं। नेक्स्ट मैंने वर्कशीट डिकोडिंग के लिए ही बनाई है, सॉरी डिकोडिंग के लिए नहीं, ये वंस और टेंस प्लेस के लिए हैं। बट इनके मैंने क्या किया है, मैच द करेक्ट आंसर देन डिकोड द हिडन मैसेज। तो ये पहले ये लिखे हैं 2 tens, 4 ones, आपको यहाँ पे मैच करना है कि ये वाला कहाँ पर है लिखा हुआ, तो उससे पहले वो मैच करेंगे। उसके बाद जब सारे मैच कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने इनके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं, HOPAYLID हर वर्ड के लिए, और उसके बाद ये यहाँ पे मैंने मैसेज हिडन मैसेज दिया है। तो यहाँ पे बच्चा वो वर्ड लिखेगा, लेटर्स लिखेगा और वो मैसेज फाइंड आउट करेगा। उसके बाद शो दीज नंबर्स ऑन द एबेकस, तो लास्ट टाइम मैंने बीड्स बनाए थे, इस बार मैंने नंबर्स बनाए हैं, बच्चे को उतने एबेकस पे बीड्स बना के नंबर शो करना है। नंबर 25 मैंने फाइंड द डिफरेंस, ये सब्ट्रैक्शन के लिए दिया है, 2 digits की ईजी सब्ट्रैक्शन है, कुछ कैरी फॉर कुछ बोरो के लिए भी करवाई हैं। तो ये पहले 2 digits की थी, अब मैंने 3 digits के साथ दे दी हैं। उसके बाद नंबर 26 मैंने बनाया, ये अगेन मैंने ये स्टेटमेंट्स बनाई हैं, ये ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स की हैं। तो मोस्टली ऑर्डिनल नंबर्स के लिए है,
कि फर्स्ट ये जनवरी इज़ द डैश मंथ ऑफ द ईयर, जून इज़ द डैश मंथ ऑफ द ईयर, तो इसमें से बच्चे को पूरा स्पेलिंग के साथ लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रहता है। और उसके बाद लाइक वीक्स के लिए भी दिया है, उसके बाद मैंने ये वर्ड्स दिए हैं, तो इन वर्ड्स में कि हर वर्ड की बच्चे को पोजिशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये वाली वर्कशीट तो UKG में भी बच्चे कर सकते हैं, फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकेंड में भी कर सकते हैं। उसके बाद मिसिंग नंबर के लिए तो ये वाली वर्कशीट, क्योंकि UKG में भी बच्चों को 100 तक काउंटिंग आती है, तो आप दे सकते हो, बट ये एडिशन के साथ है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप UKG में बच्चों को दे रहे हो तो आप उनको सिंगल डिजिट एडिशन के साथ दो। मैंने डबल डिजिट के साथ दिए क्योंकि अभी तक उसने ये चीज़ें कर ली हैं। तो उसको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, 27-dash = 25। तो ये मैंने उसको पहले बता दिया था कि इनको किस तरह से करते हैं, उसने काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो अभी देखते हैं अब छुट्टियों में वो कितना और ज़्यादा कर रही है और भूल गई है या अच्छे से कर पाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने जो बताया था कि अगर नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर नंबर इस तरफ लिखा है तो आप इस नंबर को माइनस करेंगे, और अगर नंबर इस तरफ लिखा है तो आप यहाँ हैं तो इस नंबर को इस नंबर में प्लस करेंगे, तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। सपोज़ ये आंसर दिया है और ये वाली साइड नंबर है, तो 8+3=11, तो यहाँ पे क्या आएगा 11-3। बट अगर नंबर इस तरफ दिया है तो आप इस नंबर को इस नंबर में माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, 27 में 25 माइनस कर रहे हैं हम, तो आंसर आएगा 2। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, तो इसके लिए तो काफ़ी प्रैक्टिस एक्चुअली बच्चों को चाहिए। उसके बाद अगेन मैंने डिकोडिंग वाली वर्कशीट दी है, मैंने इस तरह से कुछ पैटर्न बनाए हैं और यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो बच्चे को वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये बहुत अच्छी वर्कशीट होती है, माइंड लाइक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। UKG में भी आप बच्चों को दे सकते हैं, इतने ज़्यादा वर्ड्स ना दें, 4-5 लेटर्स के साथ ये चीज़ दे सकते हो। उसको सोचना पड़ेगा, काउंट करने पड़ेंगे कि कौन से डॉट्स हैं, उनकी पोजिशन क्या है और उस पोजिशन पर कौन सा लेटर लिखा है, तो बच्चा ये अच्छे से कर पाएगा। और इस वीडियो की जो लास्ट वर्कशीट है वो भी मैंने पैटर्न्स के लिए दी है, तो ये पैटर्न है, कुछ इजी पैटर्न दिए हैं अभी, तो लाइक ये वाला है, फिर ये अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो फर्स्ट तो बहुत इजी है कि नेक्स्ट कौन सा आएगा। उसके बाद थोड़ा सा कर्व्स दिए हैं कि पहले इस तरफ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर मुड़ रहा है, फिर से मुड़ रहा है, तो नेक्स्ट कौन सा आएगा। तो ये इस तरह की वर्कशीट्स हैं, थोड़ी सी ईजी हैं, कुछ एडिशन वाली हैं, कुछ ऐसी हैं, तो बच्चा ईजीली कर पाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये वर्कशीट्स पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी ये वर्कशीट्स अच्छी लगी तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।